फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे सहजन की सब्जी। तो यहाँ पर देखिए, हम सहजन ले लिए हैं, इसको हम पहले कट कर ले रहे हैं। देखिए, सहजन को हम कट कर लिए हैं। ये बहुत मुलायम सहजन थी, इसलिए हम इसको छीले नहीं है। और दो आलू भी हम सहजन की सब्जी में डालेंगे। यहाँ दो प्याज है, ये सभी को हम पानी से धो लिए हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डाल दिए हैं, तेल गर्म हो गई है। अब इसमें हम इस सहजन को डाल देंगे, इसको हम 5 मिनट भून लेंगे। थोड़ी सी इसको ढक ले रहे हैं। ये देखिए, भुंजाते हुए 5 मिनट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, सहजन हम निकाल लिए हैं। यहाँ पर देखिए, सहजन जिस कढ़ाई में हम भूंजे थे, उसी में हम फिर से तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गई है, इसमें हम ये पंचफोरन डाल दे रहे हैं। अब इसको हम चटकने दे रहे हैं। थोड़ी सी फोरन चटक गई है। अब इसमें हम ये प्याज जो हम कट किए हैं 2 ठो, इसको डाल दे रहे हैं। इसी समय हम इसमें आलू भी डाल दे रहे हैं, ताकि प्याज और आलू दोनों साथ में भून जाए। ये देखिए, प्याज और आलू दोनों भूनते भूनते लाल हो गई है। अब इसमें हम ये एक प्याज, एक गांठ लहसुन और थोड़ी सी अदरक का हम पेस्ट बना लिए, इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। और इसको थोड़ी सी भून ले रहे हैं। आधी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं। अब ये प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट हम डाल रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर भून ले रहे हैं। इसी समय हम अपने तीखे के अनुसार इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। ये देखिए, हमारी प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भुंजा गई है। अब इसमें हम ये 2 टमाटर काट करके डाल दे रहे हैं। यहीं पर हम 1 चम्मच मिक्स मसाला डाल दे रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगी। थोड़ी सी इसमें पानी डाल दे रहे हैं, क्योंकि मसाला नहीं जलेगी। और ये सभी को हम अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। अच्छी टमाटर पकने के लिए इसको हम ढक दे रहे हैं। ये देखिए, हमारी टमाटर अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम ये सहजन को डाल दे रहे हैं। अब ये सभी को हम 5 मिनट और भूंज लेंगे। सहजन की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हेल्थ के लिए भी सही रहती है। ये देखिए, सब्जी भुंजाते हुए 5 मिनट हो गई है। हमारे मसाले और सब्जी दोनों भुंजा गई है। हम अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दे रहे हैं। अब सब्जी को हम पकने के लिए ढक दे रहे हैं। ये देखिए, हमारी सब्जी लगभग पकी गई है। थोड़ी सी ग्रेवी को हम और ठीक करेंगे। ये देखिए, और आलू भी हमारी देखिए पक गई है। थोड़ी सी इसमें हम धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं। ये देखिए, कितना ग्रेवी हमको रखनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ठीक हो जाएगी। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सहजन आलू की सब्जी बन करके रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को हमारी ये सब्जी बनाने के तरीके पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।